बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने फैक्ट और फिगर्स सामने रख दिए हैं। दो दिन पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घट गया है। अब तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि 1 अप्रैल 2024 यानी कि जिस दिन केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे थे तो उनका वजन 65 किलो था। इसके अलावा 8 अप्रैल 2024 यानी चुनाव प्रचार के लिए जेल से निकलने के वक्त एक दिन पहले उनका वजन जो है वो 66 किलो था। 9 अप्रैल से लेकर 2 जून 2024 के बीच केजरीवाल ने जेल से बाहर जाकर चुनाव प्रचार किया था। फिर 2 जून 2024 को जब केजरीवाल तिहाड़ जेल लौटे तो उनका वजन था 63.5 किलो और 14 जुलाई 2024 यानी बीते कल उनका वजन 61.5 किलो था। इस लिहाज से तिहाड़ जेल प्रशासन का दावा यह है कि 2 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच केजरीवाल के वजन में सिर्फ 2 किलो की कमी दर्ज की गई है। यानी आम आदमी पार्टी 8.5 किलो वजन घटने का जो दावा कर रही है वो निराधार है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आई तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का जवाब सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़ जेल ने माना कि कई बार शुगर लेवल कम हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल कम होने पर नींद में वो कोमा में जा सकते हैं, शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। यही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस पर अब अपना रिएक्शन सामने रखा है।